हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। आज हम आपके एग्जाम्स के बाद फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। हम पढ़ेंगे आपका लेसन 15, द क्लीनिंग स्टाफ। क्लीनिंग स्टाफ मीन्स जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर जो है उसको साफ रखता है, आपके टॉयलेट्स, सीवर और सड़कें, रोड वगैरह जिनको साफ करते हैं, उन लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लीनिनेस इन अवर सराउंडिंग्स, हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्लीनिनेस होती है। टू आइडेंटिफाई द पीपल हु हेल्प टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, उन लोगों को जानना जो हमारे आसपास साफ करते हैं। टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म हरिजन, हरिजन मीनिंग का मीनिंग बताना जो महात्मा गांधी जी ने नाम दिया। लुक एट पिक्चर्स बिलो, इट शोज ए रोड ब्लॉकेट, ये आप देख रहे हैं रोड ब्लॉक हो गई है बारिश के पानी से, तब सीवर के अंदर एक आदमी जाता है, वो सीवर को खाली करता है, उसके बाद ट्रैफिक आपका स्मूथ चलता है। तो द क्लीनर विल गो डाउन द मेन ड्रेन एंड क्लियर द डर्ट एंड ब्लॉकेज सो दैट द ट्रैफिक कैन रन स्मूथली अगेन। तो इसके बाद नाउ इमेजिन द फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन हु गोज डाउन द ड्रेन, क्या आपने सोचा है कि आप फीलिंग उसकी इंसान की फीलिंग क्या होती होगी जो इस सीवर के अंदर जाता है अंदर और वो उसको साफ करता है, कितना उसको गंदा फील होता हुआ। द क्लीनिंग स्टाफ ऑल्सो क्लीन द पब्लिक टॉयलेट एंड क्लियर द गर्बेज बीन्स, वो लोग हमारे डस्टबिन जो होते हैं बड़े बड़े जो डस्टबिन गर्बेज बीन बने होते हैं उनको साफ करते हैं, पब्लिक टॉयलेट को भी साफ करते हैं। हमने देखा भी होगा, यू मस्ट हैव सीन शैबली ड्रेस चिल्ड्रन, गंदे से कपड़ों में बच्चों को देखा होगा जो सड़कों पर से कूड़ा बीनते रहते हैं और वो उन दे कलेक्ट ट्रैक्स एंड गर्बेज फ्रॉम द रोड, वो सड़कों से फटे कपड़े और कूड़े को पॉलिथीन को अलग कर कर चुनते हैं, उन बच्चों के बारे में आपने पढ़ा होगा। गांधी जी परस्पेक्टिव, तो इस बारे में गांधी जी ने बहुत काम किया इन लोगों के बारे में वो हम पढ़ते हैं। पीपल क्लीनिंग टॉयलेट्स एंड कलेक्टिंग गर्बेज हैव बीन कंसीडर्ड अनटचेबल सिंस एजेस, तो पुराने समय से इन लोगों को शूद्र कहा जाता था और अनटचेबल यानी कि छुआछूत की प्रथा थी। इवन इन अर्लियर टाइम्स दे वर नॉट अलाउड टू मिक्स अप विद अदर कास्ट ऑफ सोसाइटी, दे रेजिडेंट इन शेड्यूल एरिया आउटसाइड द विलेज, वो गांव के बाहर रहते थे, उनको सोसाइटी के और लोगों के साथ मिलने की इजाजत नहीं थी। गांधी जी अडॉप्टेड दिस पीपल एंड बिगिन टू कॉल देम हरिजन, गांधी जी ने उन लोगों को अडॉप्ट किया मतलब लिया और उनको नाम दिया हरिजन यानी कि भगवान के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ही इज रिस्पेक्टेड देम एंड डिमांडेड इक्वल स्टेटस फॉर देम, उनके लिए इक्वल स्टेटस मांगा। और गांधी जी का आश्रम ऐसी जगह थी कम जहाँ पर सारी कम्युनिटीज एक साथ रहती थी, पीपल वर्क लिव इट टुगेदर, वर्क टुगेदर, एट टुगेदर, इकट्ठा खाते थे, इकट्ठा रहते थे और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आश्रम में झाड़ू लगाना, ग्रूमिंग करना, क्लीनिंग द टॉयलेट एंड रोटेट अमंग्स द ऑल मेंबर्स, सब मेंबर्स की रोटेशन आती थी साफ करने की, इंक्लूडिंग गांधी जी आल्सो, गांधी जी खुद भी टॉयलेट साफ करते थे। और जो गेस्ट आते थे गांधी जी के आश्रम में बाहर से, उन लोगों को भी वो था कि वो अपने टॉयलेट्स खुद साफ करें, हैड टू क्लीन देयर टॉयलेट्स themselves। गांधी जी ऑल्सो मेड इट पॉइंट टू अटेंड ओनली दोज वेडिंग इन विच एटलीस्ट वन पार्टी वाज हरिजन, गांधी जी सिर्फ उन्हीं शादियों में जाते थे जहाँ पर एक तरफ के लड़का या लड़की तरफ के लोग हरिजन होते थे। ये साबरमती आश्रम की कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, साबरमती आश्रम जो कि सत्याग्रह आश्रम के नाम से जानते हैं, ये अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे बना हुआ है, ये गांधी जी का चरखा रखा हुआ है, ये गांधी जी का आश्रम है, तीन बंदर हैं और तो इस तरह से गांधी जी की उसकी पिक्चर है। एक ये आपको दिखाया गया है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक आदमी है जो गार्डन में पानी दे रहा है, तो हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, हम अपने जो आसपास के पार्क होते हैं वहाँ पे गार्डनर से बात करेंगे, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे कि वो कब से ये काम कर रहे हैं, क्या कभी वो स्कूल गए, क्या कभी उन्होंने कोई और काम किया। और ये है कि लो गार्डनर्स ऑफ योर एरिया वर्क्स वेरी हार्ड, वो लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, पौधों में पानी देते हैं, वीड्स को हटाते हैं, लेकिन जो नोटी चिल्ड्रंस होते हैं वो पौधे खराब कर देते हैं पार्क में और भाग जाते हैं। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंड ओल्डर पीपल डू नॉट टॉक रिस्पेक्टफुली, अधिकतर बच्चे और बूढ़े लोग जो हैं वो उनसे अच्छे से बात भी नहीं करते, उनकी काम की वैल्यू नहीं समझते। वी हैव टू टर्न लर्न डिग्निटी ऑफ लेबर, हमें डिग्निटी ऑफ लेबर सीखनी चाहिए कि हर एक काम की इज्जत करनी चाहिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। दिस मीन्स दैट वी मस्ट ट्रीट द पीपल हु वर्क फॉर अस इक्वल, वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल ऑक्यूपेशंस। इसके बाद ये पिक्चर्स देख रहे हैं आप, इसमें कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर सूखे पत्ते इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर ये लोग खेल रहे हैं बच्चे और ये कूड़े के ढेर हैं। तो इन फोटोज को देखकर हमें बताना है व्हाट डू यू थिंक आर द पॉसिबल रीजन फॉर दिस, इस सबको हम क्या इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये लेसन हमने डस्टबिन के बारे में, कूड़े के बारे में और लोग क्लीनिंग स्टाफ के बारे में पढ़ा, ये क्वेश्चन आप करके लाएंगे। कुछ ये देखिए, यस नो, अब्यूज क्लीनिंग स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ को हमें अब्यूज करना चाहिए, नो। ग्रीट देम विद ए स्माइल, हमें स्माइल के साथ उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, यस। लिटर अराउंड योर स्कूल, स्कूल के आसपास कूड़ा फैलाना चाहिए, नो। यूज ए डस्टबिन, यस। इंक्रेज योर फ्रेंड्स टू डू द सेम, अपने दोस्तों को भी सेम करने के लिए इंक्रेज करना चाहिए, यस। और बाकी क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिख के भेज रही हूँ।
आप लोग इनको करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।